दो पहाड़ों के बीचों बीच फंसी रोपवे ट्रॉली, जिसमें सवार 11 पर्यटक। जैसे ही रोपवे ट्रॉली बीच में अटकी, ठीक वैसे ही पर्यटकों की सांसें भी अटक गईं। इसके बाद आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मेरे भाई और परवानू का ये वही टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट है, जहां से ट्रॉली सीधी ऊपर पहाड़ में दिखाई दे रहे रिजॉर्ट तक जाती है। आज 11 लोग सुबह 10:15 बजे के बीच पहाड़ी पर स्थित उस रिजॉर्ट से वापस इस होटल जहां लैंडिंग साइट है वहां पर आ रहे थे, लेकिन अचानक ट्रॉली लगभग 1000 मीटर के फासले पर आकर रुक गई। ट्रॉली क्यों रुकी, कौन से तकनीकी कारण थे, फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन इसमें एक दर्जन भर लोग लगभग 6 घंटे फंसे रहे। उसके बाद उनको एक एक करके नीचे उतारा गया। 11 लोग जो कुल इसमें फंसे हुए थे, उनमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष, 5 परिवारों से ताल्लुक रखते थे और 5 परिवारों के 2-2 लोग यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए थे। इनमें 2 गंभीर रूप से बीमार लोग भी थे, लेकिन उनका यह एडवेंचर उनके लिए एक खौफनाक मंजर में पलट गया। लगभग 6 घंटे तक ये लोग जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर फंसे रहे। रेस्क्यू होने में काफी समय लगा, हालांकि रेस्क्यू इसी होटल मैनेजमेंट की तरफ से किया गया। बाद में हालांकि एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। यह पहली बार नहीं है कि ये टिम्बर ट्रेल नाम का रिजोर्ट सुर्खियों में है। इससे पहले साल 1992 में भी अक्टूबर माह में इसी तरह की एक ट्रॉली 11 लोगों के साथ बीच रास्ते में लटक गई थी। उसका रेस्क्यू करने में काफी समय लगा था और उसमें बकायदा एयरफोर्स की मदद भी लेनी पड़ी। जब लोग रोपवे में फंसे थे उस वक्त बेहद खौफ में थे। उस दौरान जब लोगों से बात की गई तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, आप भी सुनिए। हम मोशा में आए थे यहाँ पर, और मैं शुगर का और मेरे किडनी की प्रॉब्लम है, हाथ में फिशुला बना हुआ है। ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम रोपवे से इससे उतारेंगे, हम इसको रस्से से उतारेंगे नीचे जंगल के अंदर, हम उतरने के लायक नहीं है और हम लोग बड़ी उम्र के लोग हैं, हम उससे नहीं उतर सकते। मैं शुगर बीपी की मरीज हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घुटनों की भी परेशानी है, मैं नहीं उतर सकती। भाभी जी आप हार्ट पेशेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट आउट लाइक दिस। हम लोग बहुत परेशान हैं, 1.5 घंटे से यहाँ पर अटके हुए हैं और हम लोगों को बहुत डर लग रहा है यहाँ पर, हम लोग रस्सी से नहीं उतर सकते हैं। भाई साहब आप 1.5 घंटा हो गया सर, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, हालत खराब हो चुकी है अंदर से। इस घटना से सभी हैरान हैं। राज्य के सीएम जयराम ठाकुर ने मामले की जांच की बात कही है। देखिए असली कारण के लिए तो जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतनी बात है कि रेस्क्यू हो गया सभी का, 11 के 11 परिवार के सदस्यों का, और संकट से निकल आए, ये हमारे लिए बड़ी संतोष की बात है। और किस कारण से घटना घटित हुई, कहां इसमें कमी रही, सारी चीज को लेकर भी जांच करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत प्रभावी ढंग से हुआ और मैं अमित शाह जी का विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि तुरंत उन्होंने एनडीआरएफ की टीम रवाना की और उसके साथ साथ में दूसरी बात ये एयरफोर्स की टीम जो है वो भी स्टैंड बाय रख दी थी, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको मिल जाएंगे। सर 30 साल पहले भी ऐसा ही हादसा हुआ था, क्या उससे हमने कुछ सबक लिया था? तो स्वाभाविक रूप से और ज्यादा स्तर खोल करके काम करने की जरूरत है इसमें, और क्योंकि ये रोपवे बहुत पुराना लगा हुआ, हिमाचल का पहला रोपवे है ये जो लगा हुआ है, और इसमें इस तरह की घटना दूसरी बार घटित होना चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे इस चीज पर, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जांच के दायित्व होंगे। गनीमत रही कि इस घटना के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ, सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। न्यूज़ तक ब्यूरो।